हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको 90s के आसपास की फिल्मों का ये बेजोड़ अभिनेता याद है, जिसका असली नाम कम ही लोग जानते थे, मगर जो जो कहो तो हर कोई पहचान ही जाता था। बॉलीवुड का वो विलन जो छोटे छोटे किरदारों में भी बड़े बड़े एक्टर्स पर भारी पड़ जाता था। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि वो अचानक से फिल्मों से कैसे गायब हो गया था? आपको पता ही नहीं होगा कि एक खौफनाक हादसे ने जोजो का फिल्मी करियर बर्बाद कर दिया था। चलिए हम आज जोजो के फिल्मों में आने की पूरी कहानी से लेकर उस हादसे की जानकारी देते हैं जिसने इस बेजोड़ अभिनेता का करियर तबाह कर दिया। 90s के दौर का बच्चा बच्चा जिसे जोजो के नाम से जानता है, उनका असली नाम जीतेंद्र वर्मा है, जिन्हें जीतू वर्मा भी कहते हैं। जीतू का पूरा परिवार किसी न किसी रूप में फिल्मों से ही जुड़ा हुआ था। पिता बद्री प्रसाद वर्मा राजस्थान के दौसा से ताल्लुक रखते थे, मगर बाद में बंबई चले आए थे। यहाँ उन्होंने दो काम शुरू किए। अच्छे घुड़सवार थे और घोड़े पालने का शौक था, तो हिंदी फिल्मों के लिए घोड़े सप्लाई करने लगे। इसके साथ ही स्टंट मैन भी बन गए। इन्हीं के घर जीतू पैदा हुए थे। वैसे तो जीतू के कई भाई फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हैं, मगर आप इनके एक भाई को यकीनन जानते होंगे। आपने मेला फिल्म देखी होगी तो उसका विलेन गुर्जर सिंह जरूर याद होगा। वो दमदार रोल करने वाले जीतू के भाई टीनू वर्मा ही थे। वैसे जीतू के फिल्मों में आने का किस्सा और उनके जोजो बनने की कहानी बड़ी मजेदार है। जीतू का बचपन बंबई में ही बीता। हुआ ये कि बचपन से ही पिता को घोड़ों के बीच देख वो भी घोड़सवारी करने लगे। दूसरे भाई एक्शन डायरेक्टर थे, मगर उनको डांस करना बहुत पसंद था। इसी वजह से वो कोरियोग्राफर बनने के लिए खूब डांस सीखते गए, मगर किस्मत में तो एक्टर बनना लिखा था। 1992 की बात है, उनके भाई पप्पू वर्मा एक फिल्म बना रहे थे, वंश। उन्होंने भाई जीतू को भी फिल्म का कोरियोग्राफर बना दिया। एक बार की बात है, फिल्म के हीरो हीरोइन सिद्धार्थ और एकता के साथ एक गीत की शूटिंग चल रही थी। इस गीत के एक शॉट में अचानक बांसुरी बजाते चरवाहे को दिखाए जाने की योजना बनी। पप्पू की नजर वहीं खड़े जीतू पर पड़ी जो गमछा डाले थे। उन्होंने पास बुलाया और गमछे को उनके सिर पर लपेटकर बांसुरी पकड़ा दी। फिर वो गाना शूट हुआ। बाला सुब्रमण्यम और लता का गाया ये गीत उस दौर में बड़ा मशहूर हुआ, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आपने ये गीत कई बार देखा होगा और बांसुरी बजाते जीतू भी नजर आए होंगे। ये अलग बात है कि कभी ध्यान नहीं दिया होगा। खैर, पहली बार वो किसी फिल्म में इसी गीत में नजर आए थे, मगर उनके एक्टर बनने की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। 1996 की बात है, सोहेल खान डायरेक्टर बनने जा रहे थे। पहली फिल्म में भाई सलमान खान और संजय कपूर को लिया गया। सलमान को घोड़े पर एक्शन सीन करना था, ऐसे में जीतू वर्मा को घुड़सवारी सिखाने के लिए रखा गया। जीतू रोज दिल लगाकर सलमान को घुड़सवारी सिखा रहे थे। उस फिल्म में एक राजस्थानी किरदार जय सिंह की जरूरत थी जो घुड़सवारी भी जानता हो। जीतू भी राजस्थानी ही थे, तो एक बार सलमान बोले कि तुम्हारी बोली भी राजस्थानी है, घुड़सवारी भी करते हो, क्या जय सिंह का रोल करोगे? अब जीतू को एक्टिंग तो आती नहीं थी, मगर सलमान के साथ काम करने का मौका कैसे गंवा देते, इसलिए फौरन हाँ बोल दी। 1997 में फिल्म आई औजार। जय सिंह के रोल में जीतू वर्मा ने छोटा सा किरदार किया, मगर खूब तारीफ बटोरी। वैसे औजार के दौरान ही उनको एक और फिल्म मिल गई थी, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की सपूत। इसमें भी उनका मानिक नाम का किरदार बड़ा मशहूर हुआ था। ये फिल्म औजार से पहले यानी 1996 में रिलीज हो गई थी, मगर अभी वो फिल्म आनी बाकी थी जिसने जीतू वर्मा को घर घर में मशहूर कर दिया। बच्चा बच्चा उनको पहचानने लग गया। आइए जानते हैं किस्मत ने इस फिल्म को उनकी झोली में कैसे डाला था। हुआ ये कि जीतू भी दो फिल्मों को करने के बाद अभिनय को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक्टिंग सीख लूं तो बॉलीवुड में ज्यादा मौके मिलेंगे। जीतू सीधा पहुंचे मशहूर एक्टिंग स्कूल चलाने वाले किशोर नमित कपूर के पास।
नमित नहीं, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर से लेकर रणवीर सिंह और विक्की कौशल को एक्टिंग सिखाई है। 1997 के आसपास की बात होगी, नमित से एक्टिंग सीखकर जीतू अमेरिका गए हुए थे। वहां से लौटे तो एक नया शौक रोलर स्केटिंग भी ले आए। अक्सर उसी पर स्केटिंग कर अटपटी हरकतें करते नजर आते थे। वहीं दूसरी ओर नामचीन डायरेक्टर अब्बास मस्तान एक फिल्म बना रहे थे। बॉबी देओल, प्रीति जिंटा फाइनल हो चुके थे। बस उनको उस फिल्म में एक मजाकिया विलन चाहिए था जो अटपटी हरकतें करता हो, मगर वो कोई नया चेहरा चाहते थे। एक बार दोनों ने फिल्म की कहानी लिख रहे श्याम गोयल को ऑफिस बुलाया और मजाकिया विलन की जरूरत के बारे में बताया। इत्तफाक से श्याम वर्मा भाइयों के रिश्तेदार थे और उन्होंने जीतू को स्केटिंग करते कई बार देखा था। उनको फौरन मजाकिया विलेन के रूप में जीतू का चेहरा नजर आ गया। श्याम ने अब्बास मस्तान को जीतू और उनके अजीब रोलर स्केटिंग शौक से अटपटी हरकतों के बारे में बताया। डायरेक्टर भाइयों को आइडिया पसंद आया तो फौरन जीतू को ऑफिस बुला लिया। मुलाकात हुई और उनको मजाकिया विलेन के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। 1998 में फिल्म आई सोल्जर, उनके रोल को नाम दिया गया जोजो। रेस्टोरेंट में 7 नंबर टेबल के लिए स्केटिंग करते जोजो का बॉबी देओल से लड़ना और तोड़फोड़ करना दर्शकों को इतना पसंद आ गया कि जोजो सुपरहिट हो गया। फिल्म से पहले बॉबी हीरो थे, मगर बाद में लोग उनको भूल गए और सिर्फ जोजो ही याद रहा। बच्चा बच्चा जोजो का हंसते हंसते रोलर स्केटिंग करना नहीं भूल सका। इस फिल्म के बाद तो लोग उनका असली नाम ही भूल गए और सबके लिए वो जोजो बन गए। अब्बास मस्तान को तो जीतू और उनका नाम जोजो इतना पसंद आया कि इसके बाद तो डायरेक्टर भाइयों ने उनको 3 और फिल्मों में लिया और तीनों में उनका नाम जोजो ही रखा। ये फिल्में थी टार्जन द वंडर कार, हमराज और किस किस को प्यार करूं। जीतू की कामयाबी से प्रभावित साउथ इंडस्ट्री ने भी उनके लिए दरवाजे खोल दिए। वहीं हिंदी फिल्मों में उन्होंने एक के बाद एक कई दमदार किरदार किए, चाहे बादल फिल्म का आतंकवादी रफीक हो या अर्जुन पंडित में उनका रोल। जीतू वर्मा कुमारा, दीवानापन, क्रांति, तलाश, बॉडीगार्ड, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार से लेकर जय हो जैसी फिल्मों में अभिनय कर कामयाबी की बुलंदी पर चल रहे थे, मगर अचानक वो फिल्मों से गायब हो गए। उनके चाहने वालों को पता ही नहीं था कि वो कहां चले गए। असल में एक खौफनाक घटना ने उनका बुलंदी पर चल रहा करियर बर्बाद कर दिया था। 2017 की बात है, वो राजस्थान गए हुए थे। उनके गृह नगर जयपुर में एक कार्यक्रम था, वो उसी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। 30 मार्च के दिन वो माउंट आबू से चित्तौड़गढ़ की ओर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। ड्राइवर कार चला रहा था और जीतू बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। रास्ते में 40 किलोमीटर हिस्से में जंगल पड़ता है, जहां लोग कम ही नजर आते हैं। गाड़ी ने अभी आधा जंगल पार ही किया था कि अचानक से उनकी गाड़ी पर एक बड़ा पत्थर गिरा। ड्राइवर और जीतू को समझ पाते इससे पहले ही बड़े बड़े पत्थरों की बौछार होने लगी। अचानक पत्थरों के गिरने से हैरान ड्राइवर ने स्पीड थोड़ी कम की तो चौंक गए। सामने से कई लुटेरे आ रहे थे जो दोनों की गाड़ी की ओर दौड़ते चले आ रहे थे। वहीं कुछ लुटेरे ईंट पत्थर फेंकते जा रहे थे ताकि गाड़ी रुक जाए। अचानक एक बड़ा सा पत्थर कार का शीशा तोड़ते हुए सीधा जीतू वर्मा की दाई आंख में जाकर धस गया। आंख फूट गई और बहुत खून बहने लगा। लुटेरे गाड़ी तक पहुंच ही गए थे, ऐसे में ड्राइवर ने फौरन होशियारी दिखाई और कार की स्पीड अचानक बढ़ा दी। लुटेरे पीछे पीछे दौड़े, मगर ड्राइवर बड़ी मुश्किल से स्पीड बढ़ाकर कार को लुटेरों के चंगुल से भगा लाया। बड़ी मुश्किल से दोनों की जान तो बच गई, लेकिन जीतू की आंख से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई तो आईब्रो का हिस्सा फट चुका था, रेटिना की हालत भी खराब हो चुकी थी। गंभीरता को देखते हुए जीतू को हवाई जहाज से फौरन मुंबई के वडाला अस्पताल भेजा गया। यहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि इलाज के बाद भी इस आंख की रोशनी आने की बहुत कम उम्मीद है। वहीं जीतू विलेन के रोल करते थे और डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दे दी कि एक्शन सीन की वजह से आंख पर जोर पड़ेगा और हालत बिगड़ सकती है। ऐसे में मजबूरी में वो फिल्मों से भी दूर हो गए। इलाज बहुत हो रहा था,
मगर आंख की रोशनी वापस नहीं आ रही थी। करीब 3 साल तक इलाज चलता रहा और जीतू बॉलीवुड से अचानक गायब हो गए। फिल्मों से दूर जीतू वर्मा इन दिनों घोड़ों वाला काम करते हैं। वो फिल्मों के लिए घोड़ों की सप्लाई करते हैं और हाल ही में मिर्जापुर नाम की वेब सीरीज में नजर आए थे। वैसे ही इतने इलाज के बाद भी उनकी आंख की रोशनी थोड़ी ही वापस आ सकी है। वो एक हादसा बॉलीवुड के जोजो को ले डूबा। दोस्तों, आपको जोजो यानी जीतू वर्मा कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।